अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग सरों पर गैस सिलेंडर लिए हर हर मोदी घर हर मोदी कहते हुए देखा जा रहा है और गैस सिलेंडर को पानी में फेंकते हुए लकड़ियां सरों पर ढोते हुए जाते हैं। हो सकता है मजाकिया तौर पर इस वीडियो को बनाया गया हो, लेकिन सच्चाई भी बयान करने वाला वीडियो कह सकते हैं। इसी हफ्ते हुकूमत की जानिब से घरेलू गैस पर 50 रुपये और कमर्शियल पर 350 रुपये बढ़ाए गए। वैसे अब महंगाई पर भी बोलना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि लोगों के जहनों में धर्म जात पात का नफरती जहर भाजपा और इनके हिमायतों की जानिब से अवाम के जहन में पैवस्त किया गया है। एक और वीडियो में हिंदुत्व के आलमबरदार समझे जाने वाले मुतालिक का भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें खुद मुतालिक कहता है, अगर कोई मोदी के नाम पर आपके पास वोट मांगने आए तो उसे चप्पल से मारो। पहले थोड़ा ये वीडियो देख लो। नाच के इल्दे मान मर्यादा इल्दे मोदी और हेसर निंद गेद्दंतवरो ई बारी ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮೋದಿ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಲೌಜಿಯಾದ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ವೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ, ಮೋದಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ, ಮೋದಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ, खैर अब मुतालिक की बात को कितना संजीदगी से लेते हैं समझ में नहीं आता। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस वापसी कर सकती है कहा जा रहा है, लेकिन मोदी का बेलगाम में रोड शो या कर्नाटक के दीगर शहरों में रोड शो देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा का हिंदुत्व कार्ड आज भी कहीं तो इन्हें जीत दिलाने के लिए काफी है ऐसा लगता है। बेलगाम में भाजपा का रोड शो कामयाब तो हुआ, लेकिन इस पर भी सिद्धरामैया ने तंज कसते हुए कहा कि रोड शो में जो भीड़ लाई गई थी वो किराए की थी और 500 रुपये दिए गए थे, और कुछ तो मोदी मोदी कहने के लिए भी लाए गए थे, इनके अलग रुपये दिए गए थे ऐसा भी कहा गया। लिहाजा बढ़ती महंगाई पर सवाल तो उठाए जा रहे, लेकिन धर्म की राजनीति महंगाई बेरोजगारी को ढांप देती है, छिपा देती है। किसी न किसी शहर में जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर अवाम को गुमराह करने का नुस्खा भाजपा को मिल चुका है, और इसी की बुनियाद पर कहीं पर भी चुनाव आसानी से जीत सकते हैं ऐसा भरोसा भी भाजपा को होते देखा जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर भाजपा और पार्टी के कारकुनान उम्मीदवार एमपी एमएलए तो अमीर बन रहे हैं, पर आवाम की किस्मत में रोजाना मेहनत मशक्कत के कुछ और हाथ नहीं लग रहा। कई भाजपा लीडरों की कमाई 1-2 गुना नहीं बल्कि 300-200 गुना बढ़ने की रिपोर्ट भी हासिल हुई है, लेकिन जुमले तो अजीब तरह के और गजब के कहे जाते हैं। वजीर आजम तो झोला उठाकर जाने की बात तो करते हैं, खुद को फकीर भी कहते हैं, लेकिन इनके महंगे कपड़े इनके बयानात को कहीं तो झूठे साबित करते हुए देखा जाता है। रोजाना एक तरफ लाखों रुपए के कपड़े पहने हुए देखते हैं तो दूसरी तरफ समुन्द्र के किनारे कचरा बिनने की नौटंकी भी अब लोगों के समझ में आ रही है। इसके बावजूद भी भाजपा जीत कैसे दर्ज कर रही है ये बड़ा सवाल है। लोग महंगाई से बेजार हैं, सड़कों पर ठेले लगाकर सब्जी फ्रूट बेचने वाले तंग आ चुके हैं, और ये जमीनी हकीकत है। और भारत गरीबों का देश है, यहाँ क्या हर गली में अड़ाने अंबानी नहीं है, लेकिन दरमियानी तबका भी नाराज तो है, फिर जीत दर्ज कैसे हो रही है ये भी आवाम के सामने सवाल बरकरार है। लिहाजा आज के कर्नाटक की सबसे बड़ी खबर भी इसी दरमियान अहम मानी जा रही है। भाजपा एमएलए के मदन विरूपक्ष के दफ्तर से लोकायुक्त छापेमारी में 2 करोड़ से भी ज्यादा बेहिसाब रकम जब्त की गई, तो इनके फर्जंद भी प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ 10 लाख रुपए बेहिसाब रुपया जब्त किया गया। ये तो महज एक ही वक्त पे ये तमाम रुपयों को यहां से बरामद किया गया, मतलब किस मियार पर जो है वहां पर प्रॉपर्टियां बनाई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा एमएलए के बेटे वी प्रशांत मदल किसी से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भाजपा एमएलए के मदल विरूपाक्ष ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के अहदे से इस्तीफा दे दिया है। रियासत का सरकारी अवामी अखदाम है, वह फिलहाल फरार है, बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में भाजपा एमएलए को पहला नंबर मुजरिम किया है तो बेटे को दूसरे नंबर पर रखा गया। इत्तला के मुताबिक प्रशांत मदल ने कर्नाटक साबुन डिटर्जेंट लिमिटेड में टेंडर के लिए रिश्वत के तौर पर 81 लाख रुपए की मांग की थी। कांग्रेस ने वजीर आला को रिश्वतखोरी के मद्देनजर इस्तीफा देने की मांग की है। आगे ये भी कहा है कि
भाजपा रियासती हुकूमत 40% कमीशन की सरकार है एक बार फिर साबित हो चुका है। खैर भाजपा कांग्रेस का सियासी वार पलटवार हो सकता है, लेकिन किस तरह आवाम को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है इसे भी समझने की जरूरत है। गैस को 50 रुपए आवाम की जेब से लिया जा रहा है, 350 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए हो चुका है, घर में चूल्हा जलाना गरीब के लिए मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन भाजपा सियासी लीडरों के यहाँ पर करोड़ों रुपए की बेहिसाब मिल्कियत जमा की जा रही है। महज छापेमारी में इतना बरामद हो सकता है तो कितना उनके पास और भी रुपया दौलत पड़ा होगा। उमूमन सियासी लीडर मुख्तलिफ कंपनियां अलग अलग नामों से बनाकर रुपया इन्वेस्ट करती रहती है, अरबों खरबों रुपये जमीन के कारोबार में या अलग अलग नामों से रिश्तेदार दोस्तों के नाम मिल्कियत बनाई हुई होती है। पर गरीब के लिए जब भी इंसाफ या महंगाई कम करने की मांग की जाती है तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तनाजा खड़ा कर असल मुद्दों से भटकाया जाता है। इनके आंखों पर मजहबी चश्मा पहना दिया जाता है ताकि जज्बाती तौर पर पेट की भूख पर धर्म की अफीम चटाई जाती है। कहते हैं धर्म का नशा अफीम से भी खतरनाक होता है, लिहाजा ये जो मौजूदा अंधभक्त देख रहे हैं उसी का नतीजा है। आज की खबर इस लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि महज 2 दिन पहले ही गैस को महंगा किया गया, और महज एक वाकिया नहीं है। आप भाजपा के तमाम लीडरों की मिल्कियत का हिसाब लगाया जाए तो इसी तरह 100, 200 गुना, 300 गुना प्रॉपर्टी में इजाफा ही होता गया है। तभी तो नवीन कुमार कटील जो भाजपा रियासी सदर है बयान में कहता है कि आप सड़क बिजली गटर पर सवाल करने के बजाय लव जिहाद पर सवाल उठाए। इससे इतना जरूर मालूम होता है कि अब आवाम की नब्ज को इन्होंने पकड़ लिया है। नवीन कुमार कटील हो या फिर बीजापुर का यतनाल हो, जब भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो सामने आवाम तालियां पीटने लगती है। यही तो उनकी कामयाबी है, सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी से आवाम भाजपा को वोट कर रही है तो ये सबसे खतरनाक मसला कह सकते हैं, क्योंकि मुल्क में मुसलमान तो 20% है लेकिन धर्म के आड़ में नुकसान तो 80% अक्सरियत जमात का ही हो रहा है और उन्हें उठाना पड़ेगा। खैर अब तो मामला सड़कों पर लाया गया है, सब्जी फ्रूट बेचने वाले के आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है और इन्हें हिंदू मोहल्ले में बेचने से रोका जा रहा है। इसे क्या कह सकते हैं, महज मुसलमान होने की बुनियाद पर इसे हिंदू मोहल्ले में ना जाने दिया जाए ये उनकी कामयाबी ही कह सकते हैं, और इसके लिए आवाम ही जिम्मेदार है। क्या अब यही बाकी रह गया है, क्या कोई मेहनत मशक्कत के साथ ठेले लगाकर गुजारा करना चाहता है तो भी मुसलमान कहकर मोहल्लों से निकाला जाएगा? और हकीकत में हिंदुत्व के नाम पर लाखों करोड़ों की मिल्कियत जमा करते रहेंगे, सबसे पहले आवाम को जागना होगा। और सड़कों पर जिन लीडरों की हिदायत पर गरीबों पर जुल्म करके हिंदू मुस्लिम माहौल बनाकर नफरत एजेंडा चलाने वालों को सबक सिखाना होगा। कुछ लोग अपने मुफाद की खातिर गरीब मजदूर पेशा मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, जबकि रिश्वतखोरी लूट धोखा फरेब से अक्सर हिंदुओं के रुपये ही इनके घरों में होते हैं। ये जो करोड़ों की दौलत जो पकड़ी जा रही है ये आप ही की तो दौलत है, ये ना समझे कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही चलेगा। आपने देखा होगा कि गरीब माँ और बेटी पर चलाया गया, जबकि झोपड़ा था वहां पर बुलडोजर चलाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रमिला दीक्षित और नेहा दोनों कोई मुसलमान नहीं थे, इनके जिस्मों पर से इस बुलडोजर को घुमाया गया, मतलब जुल्म का बुलडोजर सभी पर चलेगा और आवाम हिंदू मुस्लिम करते हुए अपना इंतजार करती रहेगी। आज भाजपा लीडर के घर और दफ्तर से करोड़ों रुपए की रकम बहुत कुछ बयान करती है, लेकिन क्या इसका असर आवाम पर होगा? क्या कुछ देर आवाम मुस्तकबिल को लेकर सोचेगी या फिर हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया जाएगा तो सब कुछ भूल जाएगी? अब ये तो आखिर में मुल्क की रियासत की आवाम को ही सोचना होगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। हाँ कहाँ रहता भाई? मैं यही रहता हूँ। आपको कहाँ पे, कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है? ये निसारुल का भाई हूँ मैं, मैकेनिक जो है। हाँ देखो ये है भाई, ये भाई भी मुसलमान है और ये भाई भी मुसलमान है। अरे ये हिंदू बेच के बोल के ना मुसलमान लोग सब्जी बेच रहे हैं, ये सब्जी बेच रहा है और ये इस मुसलमान को कह रहा है कि ये मेरा भतीजा है। ये
और ये भी मोमडन है, ये आधार कार्ड भी नहीं दिखा रहे हैं। पूरा नाम बताना था। और ये लखनऊ से आ रखे हैं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है। पूरा नाम बताना था। उन पे आधार कार्ड नहीं है, ये देखो इतने लोग हैं और ये सब ये फर्जी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं ये लोग सब्जी वाले। पूरा नाम ये आधार कार्ड फर्जी लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये आधार कार्ड इस पे फर्जी है, लखनऊ का आधार कार्ड है, कह रहा मेरे को 10 साल हो गए यहाँ आए हुए। और इसको कह रहा कि ये मेरा भतीजा है, भांजा, मेरे भाई का लड़का है कि ये भाई का लड़का। और जब बार कोड देखा मैंने इसका तो बार कोड में नाम नहीं आया, मैंने कहा भाई तेरा तो नाम ही नहीं आया, तो एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। मैंने कहा कौन हो तुम, जब सख्ती करी गई तो अपना नाम विधर्मी वाला बता रहा है। और ये भी ये है, ये लोग झूठ बोल के थूक लगी सब्जी को खिलाने के लिए हम ही लोग रह गए क्या? और ये हमारी कॉलोनी में आ रखे हैं सब्जी बेचने के लिए। इसमें नहीं आ रहे तो वहाँ से आई क्यों रखे हो, आधार कार्ड क्यों नहीं लेके चलते तुम लोग? थूक लगी सब्जी खिलाओगे हम लोगों को? दीदी ऐसा नहीं है कि तुम है? सब्जी खिलाओ तो हम लोग कल भी आए कॉलोनी में बेच के गया। अरे तो आधार कार्ड क्यों नहीं रखता? सामने गाड़ी खड़ी वहाँ कुछ लोग सब्जी में बेच के नहीं गया। आधार कार्ड नहीं रखेगा क्या फिर? तो दिया तो आधार कार्ड। कौन सा दिया, कौन से सन का है वो? आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड, ये आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है आधार कार्ड। आधार कार्ड मांगा है तेरा? आधार कार्ड कहाँ है तेरा? अरे आधार कार्ड देना। आधार कार्ड कहाँ है? हमारा को मान लो। चल कोई नहीं है, पुलिस आ रही है, रुक जाओ। हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। कुछ नहीं हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हल्ला कर रहे हैं? क्यों हल्ला कर रहे हैं? सब्जी बेच रहे हो क्या कर रहे हैं? ज्यादा साइड लेने वाला बन रहा है क्या? ज्यादा साइड लेने वाला बन रहा है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? अगर यहाँ पे कोई आगे बाहर का आदमी अगर सुन मुझे आधार कार्ड दिला दे। चुप सुन सुन भाई, आधार कार्ड दिला दे, आधार कार्ड दिला दे। ठीक है नहीं, किसी और के सामने सुन सुन भाई, एक मिनट सुन 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 भाई, आधार कार्ड दिला दे इनसे। इनके आधार कार्ड दिला दे। दिखा रहे हो? हाँ दिखा रहे। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, वो भाई दिखा रहा, आधार कार्ड दिखा। हाँ हाँ आधार कार्ड दिखा दे, आधार कार्ड दिखा इनके, आधार कार्ड दिखा। चल चल चल, ये तो तेरा तो देख लिया, उन दोनों का देखना है। हाँ चल चल चल, ला 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 उनका आधार कार्ड ला। हाँ चल सुनो, लखनऊ का आधार कार्ड। टमाटर सब्जी बेचा गरीब आदमी, पेट कमा तुम्हारा। अरे भाई हिंदू बोल के बेचेगा क्या सब्जी? हिंदू का मतलब पता? हिंदू बोल के सब्जी बेचेगा क्या? हाँ हिंदू का मतलब पता है मुझे, मुझे पता है हिंदू का मतलब। मैंने मुसलमान से नहीं लेनी, मैंने यही पूछा इससे। सुनो हाँ, मैंने मुसलमान से नहीं लेनी सब्जी, ये हिंदू बन के बेच रहे। आ गए पुलिस आ रहे, तो झूठ बोल रहे हैं। यार इसमें क्या है ड्रामा? हमने दे रहा तुम्हें पहली बार लेके भाई, तुमसे ज्यादा हूँ मैं, समझिए। कल 5 मार्च को एक बार फिर शिवाजी महाराज की मूर्ति की इफ्तिताह होने जा रही है। इस बार लक्ष्मी हेब्बाड़कर की कयादत में इस अमल को अंजाम दिया जाएगा। शिवाजी महाराज की मूर्ति अब बेलगाम सियासत का मरकज बनने जा रहा है। कल बहस मुबादले भी हो सकता है, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। वादा रहे लक्ष्मी हेब्बाड़कर की कोशिश से इस 55 फीट मूर्ति का कयाम अमल में तो आया, लेकिन सरकारी रुपया कहते हुए जारकीहोली इसमें कूद पड़े और उन्होंने 5 तारीख के बजाय 2 तारीख को ही इफ्तिताही इजलास सरकारी तौर पर अमल में लाया। जारकीहोली हेब्बाड़कर तनाजा भी इसमें शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अब इस मूर्ति का क्रेडिट हासिल करने का मुकाबला भी लग गया और आखिर में 2 तारीख को सरकारी तौर पर इसकी इफ्तिताह तो अमल में आई और भाजपा के तकरीबन कायद इस वक्त मौजूद रहे। लिहाजा अब कांग्रेस कायदों के साथ महाराज से भी शिवाजी महाराज के खानदान से युवराज संभाजी राजे तशरीफ ला रहे। अब इसमें भी सियासत देखी जा रही है। कुछ मराठी लोगों ने शिवाजी महाराज की मूर्ति की इफ्तिताह 2 बार करना तौहीन कहते हुए कल के इजलास की मुखालिफत की है, तो कुछ लोगों ने भाजपा का इफ्तिताही इजलास गलत कहते हुए कल का इजलास ही सही कहा है। लिहाजा कल पुलिस बंदोबस्त भी सख्त होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब कल क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।